जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ भावेश परमार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लू रेड कलर कैसे बनता है। तो आप देख सकते हो कैसे बॉल मिल में से ये खाली हो रहा है रेड कलर, ये वाइब्रेटिंग हो रहा है और यहाँ से ये बैरल में जाएगा, आप देख सकते हो। देख लीजिए दोस्तों, फिर इस तरह से लाइन के ऊपर पहले बिस्किट आता है, कितनी स्पीड में आ रहा है आप देख सकते हो। इसके ऊपर है एंगोप लगाया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा रेड कलर मैंने डाल दिया है, जिसकी वजह से प्रॉपर रेड दिखाई दे। आप देख सकते हो कैसे बिस्किट के ऊपर ग्लेज चल रहा है वो। अब यहाँ से आगे जाते हुए रेड कलर का ग्लेज चल जाएगा उसके ऊपर, आप देख सकते हो कैसे रेड कलर भी चल रहा है उसके ऊपर वो। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से टाइल्स दिखाई देता है कलर चलने के बाद, कितनी स्पीड में निकल रहा है टाइल्स आप देख सकते हो। फिर टाइल्स आगे इस तरह से आती है, आगे की ओर जाती है, फिर यहाँ पे वो साइड में जो साइड में ग्लेज जमा हुआ ना वो यहाँ पे निकल जाता है। इसको वाटरस्केपर बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे साइड में खींचा जाता है, जिसकी वजह से टाइल्स में साइड में जो कचरा ग्लेज जमा हो ना वो निकल जाएगा। फिर आगे जाके घूम के फिर आगे की साइड में दूसरी साइड में जो ग्लेज जमा हो ना वो निकल जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ से घूम जाती है टाइल्स और फिर आगे चली जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी साफ हो जाएगी टाइल्स। यहाँ से दोस्तों टाइल्स को राउंड में घुमा जाएगा ऑटोमेटिक ही, आप देख सकते हो कैसे राउंड में घूम रही है टाइल्स। ये सब 10-10 की लाइन में आगे की ओर जाएगी, किलर में सीधी, आप देख सकते हो दो लाइन में से जा रही है 10-10 की ओर से। देखिए दोस्तों, अब ये सीधा किलर में जाएगी। यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से टाइल्स आपको पकने से पहले दिखाई देती है, जैसे ऑरेंज कलर हो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सही में रेड कलर है। जो बाहर आपको पक जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसा कलर में से वैसे कैसे हो गई हो। अब ये कंपोस्टर में से निकल के आगे की ओर किलन में जाएगी। एक केड़ा का किलन है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ से किलन के अंदर जाती है टाइल्स 10-10 की लाइन में, एक लाइन में 10 टाइल्स आती है। पूरा प्लांट ऑटोमेटिक ही चलने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हो कैसे अंदर जा रही हो 10-10 के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किलन में से बाहर निकल रही है। अब देखिए दोस्तों, उसका कलर कैसा चेंज हो गया, ये पूरा ब्लड रेड कलर हो चुका है। आपको इसमें वीडियो में अच्छी तरह से ब्लड रेड नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप रियल में देखोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, सही में ब्लड रेड कलर ही है। आप देख सकते हैं बाहर निकलने के बाद भी कैसे ऑटोमेटिक ही पूरी लाइन आगे जा रही है वो।
पूरा प्लान दोस्तों ऑटोमेटिक ही है, आगे जाके 10-10 का थप्पा लग जाता है, फिर ऐसे उसको चौकड़ी में लगाया जाता है क्योंकि जल्दी और ठंडा हो जाए, इसलिए आप देख सकते हैं कितना थप्पा लगा हुआ है वो टाइल्स का। अब हम आपको आगे इसका पैकिंग की ओर आपको ले जाता हूँ कि इसका पैकिंग कैसे होता है वो देखिए दोस्तों। ये साइजिंग मशीन है, यहाँ पे साइड में जो माल रह गया हो या ख़राब टाइल्स हो और सब कुछ यहाँ पे सॉर्टिंग करके निकाल लेते हैं और इसमें से साइड की तार में कटिंग कर हो जाता है दोस्तों। देखिए कैसे मशीन में जा रही है और कितना स्पीड में चल रहा है मशीन, आप देख सकते हैं। यहाँ से होते हुए आगे जाएगी साइड घूम के, फिर दूसरी साइड में भी सफाई हो जाएगी, उसके बाद आगे की ओर चेकिंग होगा, जो दो आदमी बैठा होगा वो देखेगा टाइल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जो खराब वाला टाइल्स होगा वो सब निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे इसकी पैकिंग होती है बॉक्स पैकिंग में, आप देख सकते हैं कैसे 6-6 के पीस में ये भाई अलग कर रहा है और वो आदमी पीछे बॉक्स में पैक कर रहा है और उसमें टेप लगा रहा है।